नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह में आज बात लखीमपुर खीरी की करेंगे, क्योंकि लखीमपुर खीरी में भी एक चक्रव्यूह सा रचा हुआ है। किसकी साजिश है, क्या सच्चाई है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। चार किसानों की जान चली गई, चार अन्य लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर इन आठ मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दो दिन हो गए हैं और लगातार इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है, और आज भी अगले आधे घंटे हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सियासत बहुत ज्यादा हो रही है, राजनीति शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार रात ही निकल गई थी लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाई। वो चाह रही थी कि पुलिस को चकमा देकर वो परिवार के पास पहुंच जाएंगी जो पीड़ित परिवार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई। सुबह सोमवार की सुबह जब वो निकल रही थी, तभी सीतापुर में उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बावजूद उन्हें कई घंटों तक हिरासत में रखा गया गेस्ट हाउस में, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसको लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में, या अकेले उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तराखंड में भी, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लगातार प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो परिवार से मिलने गई हैं, वो कोई राजनीति करने नहीं गई हैं। लेकिन इस मसले पर पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव को भी उनके घर पे ही पूरी तरह से कैद कर दिया गया, बाहर पूरी तरह से पुलिस बल तैनात कर दी गई। सपा भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा बसपा ने भी इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है। इसके अलावा आरएलडी भी लगातार इस पूरे मामले पर टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। चार किसानों की जान चली गई ऐसा बताया जा रहा है, और ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि जो किसान के परिवार वाले हैं, जो मृतक किसान हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में ये तमाम चीज़ें हुई हैं, सियासत तीन दिन से हो रही है, लेकिन मुद्दा अब भी वही है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। तो अब तक कई वीडियो सामने आए हैं इस घटनास्थल के, बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं, इस घटना के बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं, और जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, उनकी अगर प्रतिक्रिया की मैं बात करूं तो उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अजय मिश्रा कह रहे हैं उनके बेटे वहां पर मौजूद नहीं थे। आशीष मिश्रा भी ये कह रहे हैं कि वो घटनास्थल पर मौजूद थे ही नहीं, उनको जानकारी ड्राइवर ने दी थी। तो यानी ये कहा जा सकता है कि भले ही वो वहां पर मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन उनका ड्राइवर वहां पर जरूर था। बताया जाता है किसानों की तरफ से कि वहां पर काफिला निकला था, और इसी काफिले में जो गाड़ियां थी उन्होंने ही किसानों को रौंद दिया, जिसकी वजह से किसानों की जान चली गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें घिसटने और ज्यादा खून बहने से उन किसानों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि हम इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुद इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखें। इसके अलावा जिन पर आरोप लग रहे हैं उनका यह कहना है कि हम वहां पर मौजूद थे ही नहीं। इसके अलावा जो और लोगों की जान गई है, चाहे वो ड्राइवर हो या तीन बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके परिवार वाले भी लगातार रो रो कर उनका बुरा हाल है। वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, उनकी पिटाई की गई, और ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जहां पर कुछ लोग लाठी डंडे हाथों में लेकर एक शख्स को बुरी तरह से मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा कार को घेरा गया, उस वक्त जो वीडियो सामने आए थे आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसके बाद का वीडियो किस तरह से कुछ शख्स हाथों में लाठी डंडे लेकर एक युवक को पीटते हुए नजर आए हैं। कार को घेरा गया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं अजय मिश्रा कह रहे हैं कि जो गाड़ी थी यानी जो काफिला था उनको रोका गया, और जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वहां पर पत्थर फेंकने की कोशिश की, और इसी वजह से गाड़ी को तेजी के साथ भगाया और तभी ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन अब सरकार की तरफ से कल बातचीत के लिए किसानों को बुलाया गया, बातचीत हुई और करीब 6 राउंड की बातचीत थी, जिसमें आखिरकार किसानों को मना लिया गया। 45 लाख रुपए
मृतक के परिवार को दिए जाएंगे। इसके अलावा एक सदस्य को सरकारी नौकरी। तो इससे किसान संतुष्ट हुए हैं। साथ ही साथ 8 दिन के अंदर जो पूरी जांच रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी, इसके बाद किसान माने हैं, वरना एक बड़ा आंदोलन यहां पर हो सकता था। तो किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लगातार हो रहा है। ऐसे में कई हिंसक तस्वीरें हमारे सामने आई हैं और लखीमपुर खीरी में भी ऐसी ही हिंसक तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव मिश्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। पवन खटाना किसान नेता हैं और अनिल डबास नेता आरएलडी और अजय चंद्र चौबे जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। आप सभी का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल पवन खटाना जी, किसान नेता हैं तो सबसे पहला सवाल इनसे ही होगा। और सवाल क्यों, मैं सिर्फ ये हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं है। आप ये बताइए कि कल 6 राउंड की जो बातचीत हुई थी उसमें किसान जो है फिर शांत बैठ गए, लेकिन अब भी संतुष्टि परिवार को नहीं हो पा रही है। परिवार वाले अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं, इसमें राजनीति खूब हो रही है। क्या क्या लग रहा है आपको कि क्या ये साजिश के तहत हुआ है या सच्चाई है? कौन सच्चा है, कौन झूठा है? देखो काजोल जी, पहली बात तो मैं ये कह दूं आपसे, इसमें सच्चाई सब कुछ क्लियर हो चुकी है। ये साजिश देश के गृह राज्य मंत्री के द्वारा रची गई है, उसके बेटे उसमें शामिल हैं, उन्होंने बैठे हुए किसानों पर शांतिप्रिय तरीका से अपना आंदोलन कर रहे थे, वहां पर काले झंडे लेकर के बैठे हुए थे। उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उन्होंने उस जगह को जिस जगह हेलीकॉप्टर उतरता था उसको कवर कर लिया। प्रशासन और शासन ने उनका रूट डायवर्ट कर दिया, वो रूट डायवर्ट करके अपने स्थान पर पहुंच गए। लेकिन गृह राज्य मंत्री ने जो 5 दिन पहले एक वीडियो उनकी जारी हुई, जो उन्होंने बलिया में जाकर के एक बड़े प्रोग्राम में ये कहा कि मैं सांसद और विधायक से पहले जो पहले था वो मैं आज भी हूं, मैं तुरंत 2 मिनट में सुधार देता हूं, मेरे सामने कोई यहां पर विरोध दर्ज ना करे, अन्यथा मैं जैसे पहले था मैं वैसा ही हूं, मुझे कोई हल्के में ना ले। वो उन्होंने सारी भाषा उसमें बता दी कि मैं पहले गुंडा था और मुझे गुंडई की वजह से ही मुझे गृह राज्य मंत्री का पद मिला है, मुझे किसानों को कुचलने की जिम्मेदारी दी गई है। इस वजह से उसे जो उन्होंने सोचा, उन्हें ये पता ही नहीं था मेरा गृह जनपद में किसान मेरे ही प्रोग्राम में अड़चन पैदा करेंगे। जब किसानों ने अड़चन पैदा करी तो प्रशासन ने कहा कि आप यहां मत उतरने दो, लेकिन हम जो है दूसरी तरफ से डायवर्ट करके ले आएंगे। उन्होंने डायवर्ट करके उसे ले आए, लेकिन उसने अपने गुंडों को अपने बेटे को उस गाड़ियों में भेजा और उन्होंने उस गाड़ी से लेकिन केंद्र मंत्री जो बताए जा रहे हैं अजय मिश्रा जी और उनके बेटे जो आशीष मिश्रा, वो तो साफ तौर पर डिनाई कर रहे हैं कि हम वहां तो मौजूद ही नहीं थे और ना ही वीडियो में वो नजर आए, हालांकि उनकी गाड़ी जरूर नजर आ रही है। काजोल जी, चोर कभी ये कहता है कि मैं चोरी करके आया हूँ? यही तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य है आज। तो जांच का इंतजार कीजिए ना, मंत्री का बेटा आरोपी है। सुनिए, पहले सुनिए, अब पहले मुझे, अब आप बोलते हो चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। जब गृह राज्य मंत्री का बेटा उसमें आरोपी है तो क्या ये न्याय मिल सकता है? आज भी परिवार वाले ये कह रहे हैं कि जब वो अपने बेटे को आज से ही बचाना शुरू कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं है, तो क्या प्रशासन उनके दबाव में आकर के काम नहीं करेगा? अगर उनकी पीएम रिपोर्ट आई है और पीएम रिपोर्ट में जिसके एक लड़का की गोली लगी है लवलीत के, उसकी गोली का नहीं हुआ, उसकी दोबारा आज पीएम हो रहे यहाँ है, दोबारा से दोबारा पीएम के लिए वो डेड बॉडी दोबारा गई है, ठीक है, तो कैसे मान लिया जाए कि उनको न्याय मिल जाएगा? अगर देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा उसमें आरोपी है तो इनको नैतिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जब तक जांच नहीं होती है, जब तक मैं दोष या दोष से मुक्त नहीं होता हूँ, तब तक मैं इसमें नहीं रहूंगा पद पे, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने अजय मिश्रा जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी संलिप्तता जरा सी भी होती है या उनके बेटे की संलिप्तता इस पूरे मामले में होती है तो इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने कहा है। लेकिन पवन जी एक बात बताइए कि कल जो सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई, 6 राउंड की बातचीत हुई, उसमें आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया, तो ऐसे में किसान इस आश्वासन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं या आगे कुछ और तैयारी है? देखो, नीति जिस समय पर नीति सही होगी, अगर आपकी नीति सही है और आप ये सोचते हैं कि हमारे साथ हम पर से गलती हुई है, हमने किसानों को बैठे हुए कुचला है,
और हम गलती मान रहे हैं, इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हम इनके जख्मों में कुछ मरहम लगा सकते हैं, तो किसान मानने के लिए तैयार है। किसान आज भी कह रहा है, पिछले 10 महीने से किसान बैठा हुआ है, अगर नीति के साथ बैठ करके और किसान की भरपाई करने की आप पर बहुमत है, आप उनसे बात करना चाहते हैं, किसानों की मौत हुई, बहुत दुख है, क्योंकि हम भी किसान परिवार से आते हैं, हमें भी बहुत दुख है। लेकिन जो बाद में जो तस्वीरें सामने आई, क्योंकि इस पूरे मामले के बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं, एक वीडियो में एक शख्स को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा जा रहा है, जो ड्राइवर को मौत के घाट उतारा गया, इसके अलावा 3 और मौतें हुई हैं, क्या उससे किसी को कोई दुख नहीं है? क्या वो इंसान नहीं थे? काजल जी, दुख कोई भी हो, देश का कोई भी एक व्यक्ति तो व्यक्ति, अगर किसी जानवर की भी हत्या होती है तो दुख उसका भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि हम इंसान नहीं है और इंसानियत नहीं जानते, लेकिन जहां हम अपना शांति प्रिय तरीका से आंदोलन कर रहे हैं, आप ये देखना क्या है, ये जो लोग लेकर के जा रहे हैं आप ये देखिए, और इनके ऊपर गाड़ी चलाई जा रही है, ठीक है, ये बहुत ही दर्दनाक, ये सीधी गाड़ी चलाई जा रही है और इसमें 8 लोगों को कुचल दिया है। गृह राज्य मंत्री का बेटा खुद उतर कर भगता है इस गाड़ी से। आप एक बात बता दीजिए, अगर गाड़ी चलती हुई भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर भी जो लोग होते हैं उनमें कुछ लोग उग्र तरीका से आ जाते हैं, उनको ये लगता है कि भाई इस ड्राइवर ने गलत कर दिया, तो आप मानते, कुछ लोग उन्हें संभालने वाले भी होते हैं। आप मानते हैं कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, भावुकता बस, बाद में जो हुआ वो गलत हुआ, आप ये मानते हैं? मेरी बात सुन लीजिए, क्रिया की प्रतिक्रिया मैडम, आप एक बात बता दो हमको कि जब आप मेरे 8 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हो, गोली चला रहे हो, और उसमें से कुछ लड़के भाग करके एक के साथ कोई मारपीट कर दी, लेकिन सभी लोगों ने उस लड़के को बचाया, पहले सुन लीजिए, और उसको पुलिस को दिया है। पवन जी ठीक है, मैं एक एक करके आप सभी लोगों के पास आऊंगी, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, आधे घंटे की डिबेट है, सबसे मुझे सवाल करने हैं और सबके जवाब भी लेने हैं। अजय चंद चौबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो राजनीति हो रही है वो कांग्रेस की तरफ से ही हो रही है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो हो रहे हैं, और ऐसा जो सत्ता में सरकार है वो भी कहती हुई नजर आ रही है। आप फिर कहेंगे कि सत्ता तो कहेगी, लेकिन आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी रवाना हुई लखीमपुर खीरी के लिए, उनके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यूपी में अलग अलग जगहों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं, क्या ये सही तरीका है किसी भी बात को मनवाने का या कोई भी बात रखने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इस लखीमपुर खीरी की घटनाक्रम से को भारतीय जनता पार्टी ने पुनः दोहराया है जी। और यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल और रुपया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे जो है किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं, तो बताइए क्या काम। चौबी जी आपकी आवाज मुझसे ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, मैं आपके पास वापस आऊंगी। गोली चला दें जी और हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। चौबी जी आपकी आवाज मुझसे ठीक तरीके से नहीं आ पा रही, आपके पास वापस लौटूंगी। यहाँ पर गौरव मिश्रा भी हमारे साथ बने गए। चौबी जी आपके पास वापस लौटूंगी। गौरव मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी, लगातार सरकार पर आरोप लग रहे हैं और केंद्र मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, किसानों की छवि बिगाड़ने में लगे हैं। चौबे जी आपके पास वापस लौटूंगी। गौरव जी बताइए, ये क्या है, ये सियासत क्यों हो रही है, साजिश के तहत हो रहा है, लूट के खा रहे हैं और गाली दे रहे हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहे हैं। गौरव जी बोलिए, इनको छिलो लेते हैं, अनाज लेते हैं, चंदा लेते हैं, पैसा लेते हैं, और उन्हीं किसानों को ये खालिस्तानी पाकिस्तान। खालिस्तानी तो इसलिए बोला गया ना क्योंकि इस पूरे हिंसक में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, सब में भिंडरा वाले की तस्वीर थी। तो क्या इस देश को गुलाम चलाने का सौदा नहीं कर लिया है क्या? टीम से कब्जा टीवी पे नहीं, जनता के बीच में गला फाड़िए तो थोड़ा ठीक रहेगा, आपकी पार्टी थोड़ी खड़ी हो जाएगी। बनाएंगे हिंदुस्तान को, ये सहन करेगी कांग्रेस पार्टी? कतई नहीं करेगी। पहले लड़ाई हमने अंग्रेजों से लड़ा,
अंग्रेजों से लड़े थे ये, अंग्रेजों के तरह देश को फिर से गुलाम न बना दे। क्वेश्चन तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से होना चाहिए था। और आज गांधी परिवार के गुलाम है आप लोग, गांधी परिवार के सारी नेता तो सिर्फ किसानों के मृत्यु पे उनके परिवार के इस दुख की घड़ी में सम्मिल। परिवारवादी वंशवादी पार्टी उसके कार्यकर्ता आज भी गुलाम है। गिरफ्तारी हमारे नेता की, जिन्होंने किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी, उनके उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की गई? चौबे जी, जब आश्वासन दे दिया गया है किसानों को, जब किसान सरकार के बीच बातचीत हो गई है, तो फिर किस बात की राजनीति हो रही है? के रास्ते पे चलना कर सकती, क्या मीडिया के लोग भी डर गए हैं या भारतीय जनता पार्टी के खेल में सम्मिलित हो गए? देखिए, ना तो मीडिया के लोग बिके हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के कोई खेल में रंगे हैं। सच्चाई ये है कि वहाँ पर जो किसान थे काले झंडे लेकर, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जो झंडे लेकर वहाँ पर किसान थे काले झंडे लेकर, चलो ठीक है मान लिया काले झंडे लेकर किसानों का आपत्ति, अपना प्रदर्शन वो शांतिपूर्ण कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो भिंडरा वाले की टी शर्ट पहन के क्यों वहाँ पर पहुंचे? भिंडरा वाला की टी शर्ट पहनकर वहाँ क्यों पहुंचे थे? इसे तो खालिस्तानी बोला गया। अरे मैडम, आखिर क्या वो तस्वीर, आखिर वो तस्वीर वाले कपड़े पहनने की जरूरत थी? आप ये बताइए मुझे, चौबीस जी आप तो सुनते ही नहीं है, आप सुनेंगे ही नहीं। मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे कि इनके जंगल राज और रावण राज में किसान असुरक्षित हैं? चौबे जी, लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। बोलने का मौका दीजिए। वो भी इनके मंत्री के बेटे चला दे रहे गाड़ी। आप ये बताइए, मंत्री के आप खुद गाड़ी चला रहे थे, सबसे ज्यादा पीड़ा। चौबे जी चलिए सुन लीजिए, आप बहुत आपने बोला है, बहुत टाइम दिया मैंने आपको। गौरव जी आप बताइए, टीवी स्क्रीन पे आकर के, देखिए पहली बार टीवी स्क्रीन पर आकर के और सबके अधिकारों का हनन कर लेना, ये कांग्रेस पार्टी का एक विक्षिप्त कार्यकर्ता ही कर सकता है। उसी प्रकार से जिस तरह से इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से प्लांड वे में इस पूरे किसानों को घटनाक्रम को अंजाम दिया है, घटनाक्रम को अंजाम दिया। वो आप कैसे कह सकते हैं सुनियोजित तरीका था मुख्यमंत्री का? वो आप कैसे कह सकते हैं कि प्लान थी? पूरी क्रोनोलॉजी कैसे? बिल्कुल पूरी क्रोनोलॉजी साबित हो रहे आपके पास सबूत है? गौरव जी, गौरव जी पहले बताइए कि आपके पास कोई सबूत है तो उसके आधार पर बात कीजिए ना, आपके पास कोई फैक्ट हो उस आधार पर बात कीजिए। जैसे किसी एक या दो की वजह से आप सबको, आप सबको गलत नहीं ठहरा सकते। अगर वो खालिस्तानी है तो उनको 147 से भूनी है, उनको 45 लाख क्यों दिए, क्यों वार्ता की गई? क्या वो किसान है? आप अगर वो भिंडर वाला की जो टी शर्ट है वो तुम्हारे गुंडों की है, तुम्हारे गुंडों की? बिल्कुल बिल्कुल, अपने गुंडों को संभालिए। उसको इन्हीं विरोधियों ने मारा। तुम्हारे जो गुंडे है ना वो भिंडर वाला की एक वोट डाल करके और पुलिस के सिपाही के साथ चलेंगे। इस किसान आंदोलन में, इस किसान आंदोलन में, इस प्रदर्शन में, इन आंदोलनों में क्या ऐसी तस्वीर की जरूरत थी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ऐसी तस्वीर की जरूरत थी? अरे तो और मरवा दो, 700 से ज्यादा शहादत हो चुकी है, और मरवाइए। आपका जब भर जाए, जब भर जाए, जब मान लेना ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये छलुए हैं, इनको 45 लाख क्यों देते हो आप? क्यों इनके जाकर के पैर पकड़ते हो? क्या फैसला कर लो? कौन गया आपसे कहने के लिए आप फैसला कराओ? कौन गया? कल से आप एडीजे हैं, लो वहां पर पड़े हुए हैं, तो क्यों कर रहे हो फैसला? उग्रवादियों से भी फैसला करते हो क्या आप? खालिस्तानियों से भी फैसला करते हो क्या? उनको भी 45 लाख देते हो? भिंडरवाला तुम्हारे घर गया था। चलिए ठीक है अनिल जी, अनिल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? भिंडरवाले की वोट डाल करके तुम्हारे लोग थे वो, तो गुंडे तुम्हारे थे जो गाड़ियों में बैठ कर आए। चलिए ठीक है, आप लड़ते रहिएगा, आप दोनों लड़ते रहिए, आप दोनों लड़ते रहिए। कांग्रेस थी वहाँ, आप थे, आप दो नैतिकता के आधार आप दोनों लड़ते रहिए, जो फैक्ट है उस पर बात मत कीजिएगा, सिर्फ लड़ते रहिएगा।
अनिल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुनने की क्षमता भी नहीं है जी जी अनिल जी। जयंत चौधरी पीड़ित परिवार के साथ मिलने के लिए पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जयंत चौधरी एक ऐसा चेहरा जो किसानों के बीच में खासा पॉपुलर है, किसानों के लिए जयंत चौधरी क्या करने वाले हैं, सिर्फ राजनीति ही चमकाएंगे? देखो हमारी पार्टी लगातार 3 पीढ़ियों से किसानों की राजनीति करती आई है। इन्होंने जो है 2013 में जो बिल्कुल गंगाई का बाजार था उसके लिए इन्होंने 2018 में केवल इसीलिए 2019 में इसीलिए जो है राजनीति में चुना कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दें। पूरे देश में जो दंगा हो गया था, जो एक दूरी हो गई थी हिंदू मुसलमानों के बीच में, उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने जो है बहुत मौके मिलेंगे हिंदू मुस्लिम करने के। सबसे बड़ी घटना देश के इतिहास में, इससे बड़ी घटना पहले कभी नहीं हुई। ये इन्होंने अंग्रेजों को भी फल कर दिया, इन्होंने जो है तानाशाही सरकार को जो है, ये इन लोगों ने जो है, ये देखो देश का गृह राज्य मंत्री एक ऐसा पद होता है जिसके बहु बेटियां, जिसके घर गांव शहर सुरक्षित होते हैं जिसके नाम से, लेकिन वो एक 15 दिन पहले एक भाषण देता है सभा में कि मैं वो पहले वाला ही हूँ, मैं बदला नहीं हूँ, भले ही मैं गृह राज्य मंत्री बन गया हूँ, जो पहले मैं सांसद से पहले था या एमएलए से पहले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने धमकी दी, पहले उन्होंने धमकी दी, फिर बाद में उसे सच साबित कर दिया और करके दिखाया। अरे जाते हुए किसानों के ऊपर पीछे, अरे नियत पर कमर के ऊपर कोई, अरे करना था तो छाती पे कर देना वार, कमर के ऊपर वार किया, उन्होंने पीछे चलते हुए लोगों के ऊपर वार किया। अरे इससे बड़ी बुजदिली क्या होगी सरकार की, नाकामी, नैतिकता के इस्तीफा दे देना चाहिए था उनको, इस्तीफा देने के बाद ही कहना चाहिए था। इतना जहर सभी राजनीतिक दल क्यों उगल रहे हैं जब किसानों के बीच सरकार की बातचीत हो गई है, तो 8 दिन का इंतजार कर लीजिए ना। 8 दिन का इंतजार कर लीजिए। क्या उन्होंने एक भी कोई भाषण दिया, कोई भी भड़काऊ बात कही? बताइए आप, क्या राजनीतिक लोगों को रोक के भड़काऊ भाषण देते हैं? लोग भड़काने का काम करते हैं, राजनीतिक लोग अगर वहां जाएंगे तो कम से कम उनके परिवार को अच्छा लगेगा, उनको शांति मिलेगी, जिनका घर का एक एक चिराग बुझ गया। जब माहौल खराब है, जब माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण लग रहा है, तो कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए, परिवार से भी मिलने चले जाइएगा। नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे कांड हुए, कितनी बार आप लोग जाते हैं मिलने के लिए? इससे पहले भी बहुत सारे कांड हुए हैं। कितनी बार जाते हैं परिवार से मिलने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? बताइए मुझे, आप कितनी बार गए हैं? गोली मार दो इनको, इनकी जमीन हथिया लो, ये क्या ये न्याय संगत है? चलिए ठीक है, अब आखिर में बताइए कि आगे किसानों के लिए क्या सोचा आपने? किसानों के लिए क्या सोचा है? हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, हमारी सरकार है। राजनीति नहीं, सिर्फ काम किसानों के लिए करेंगे, काम गरीब मजदूरों के लिए करेंगे। पवन खटाना जी जी, 8 दिन का इंतजार करेंगे या आगे कुछ रणनीति तैयार की है? हम तो 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं, 8 दिन और भी कर लेंगे, कौन सा मना कर रहे हैं? लेकिन हम सबसे पहले डिमांड ये करते हैं कि जो गृह राज्य मंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री है, जो शासन और प्रशासन को अपने प्रेशर में रखे हुए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि मैं जो पहले था वही आज भी हूँ, उनको तत्काल प्रभाव से ये सरकार नैतिकता के आधार पर, संविधान पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है पवन जी जी, संविधान पर भरोसा है, संविधान पर भरोसे की वजह से 10 महीने से बैठे थे, तो लेकिन संविधान का इंतजार कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए। चलिए ठीक है, गौरव जी जो लगातार आरोप लग रहे हैं केंद्र मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर, और जो पवन खटाना जी इस वीडियो का बात कर रहे हैं, लगातार इस वीडियो की बात कर रहे हैं, आखिर उस वीडियो की जांच कब होगी, आप ये बताइए? देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य। पवन जी मेरे पास समय की कमी है, मीडिया अगर निष्पक्ष तरीका से नहीं दिखा रहा, ये आप निष्पक्षता से ही सारी चीजें रखी जा रही है पवन जी, जो चीज सही है उसके लिए आवाज उठाई जा रही है, पवन जी जो चीज सही है उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। नहीं, आप बात की दीप दिखाते हो, आप पहला नहीं बताते, आप मेरी बात सुनिए। चलिए ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए कि सही के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये बताइए वो वहाँ लेने क्या गए थे,
वो वो जवाब गौरव मिश्रा जी देंगे, यहाँ बैठे हैं आप पूछने देंगे तभी तो, आपको सलाम करेंगे आप पूछने देंगे तभी तो, आप पूछने देंगे तभी तो। पवन जी पूछने दीजिए, पवन जी पूछने दीजिए, टीवी चैनल पर चलाइए गृह राज्य मंत्री का कितना बड़ा इतिहास है। पवन जी बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, चलाया भी है, चलाया भी है, शायद आपने देखा नहीं। पवन जी 302 के मुकदमे, पवन जी सुन लीजिए, 307 पवन जी सुन लीजिए, देखिए मेरे पास समय की कमी है, इसका जवाब गौरव, आखिरी कमेंट गौरव जी आपसे, अब बताइए कि जो आरोप लगातार लग रहे हैं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उनके बेटे आशीष मिश्रा पर, और जो वीडियो वायरल हुआ है और जो वीडियो की ये बात लगातार कर रहे हैं इस चर्चा में, उस वीडियो के आधार पर जांच कब होगी? देखिए सारे वीडियो स्पष्ट हैं, बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में गौरव जी सामने आ चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है पीट पीट करके, उसकी जिम्मेदारी ये ले ले, क्यों गए थे वहां हेलीपैड को उखाड़ने के लिए, किसी उप मुख्यमंत्री का हेलीपैड क्यों उखाड़ने गए थे, अराजकता फैलाने ही तो गए थे, अपराध करने ही तो गए थे, और सुनियोजित तरीके से गए थे, रिपोर्ट आने दीजिए। अभी उसमें समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता शामिल हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ कांग्रेस का एक नेता जो पंजाब से आकर के वहाँ उपद्रव कराने की साजिश पहले से करता जा रहा है, जनता समझ रही है कि ठीक है, ठीक है, जनता बिल्कुल समझ जाएगी और जनता न्याय कर देगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लखीमपुर खीरी पर लगातार बवाल मचा हुआ है, बवाल खत्म होने का नाम नहीं हो रहा है। विजन आपने सुन लिया है कि किसान क्या कह रहे हैं, इसके अलावा जो सरकार है वो क्या कह रही है। सरकार का सीधे तौर पर ये कहना है कि वहां पर अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश थी, और इसी वजह से वहां पर किसान इकट्ठा हुए थे। किसानों की मौत का दुख सरकार को है, लेकिन वहां जो और मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं, बीजेपी नेता कर रहे हैं, लेकिन किसानों का ये मानना है कि आखिर किसानों को क्यों इस तरह से रौंदा गया, और जो वीडियो की बात लगातार हो रही है उस वीडियो पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। 8 दिन का समय दिया गया है, 8 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, इंतजार करना होगा, लेकिन राजनीति भरपूर हो रही है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर अगर देखें तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा, और सच क्या है, झूठ क्या है, वो सामने आ ही जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।